दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज है संडे और आज के दिन में प्रॉफिट बजिंदर जी के यहाँ ही नहीं, पूरे भारत में हर जगह में अलग अलग जगहों में परमेश्वर के दास के द्वारा अलग अलग सेवाएं किए जाते हैं और वहाँ पास परमेश्वर की महिमा दिया जाता है और साथ में दोस्तों परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार प्रसार और वचनों को बोया जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, प्रॉफिट बजिंदर जी की मिनिस्ट्री में भी आज कुछ बातें को लेकर बहुत सारे अहम बातें को बताया है, जो कि प्रॉफिट बजिंदर जी ने अपने शब्दों में अपने मसीह भाई और बहनों लोगों के बीच में बहुत सारे वचनों शेयर किए हैं और उनके लिए प्रार्थना है। तो इस वीडियो को मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। परमेश्वर इस वीडियो को देखे जाने पे और सुने जाने पर बहुत आशीष दे और आपकी मनोकामना पूरा हो। वीडियो को पूरा देखिए, चलिए देखते हैं। हाथों को उठाएं, शाबाश। जितने दीवाने हैं प्रभु की महिमा करते हैं वो, yes. नाचते हुए, झूमते हुए, ताड़ी बजाते हुए, कितने दीवाने हैं चर्च आज। यीशु के दीवाने कौन है पता आपको? yes. कौन है दीवाने? यीशु के दीवाने वो हैं जो हर संडे पहले आकर अपनी सीट मलक लेते हैं। हालेलुया। दीवाने हैं वो, नलायक बच्चे वो हैं जो पीछे आकर बैठते हैं कई बार। कहते हैं कोई बात नहीं, लेट ही चले जाएंगे, पीछे जगह तो मिल जाएगी। कोशिश किया करो, मैं भी इसलिए जल्दी आया हूँ भाई। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इस समय परमेश्वर का धन्यवाद करें यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ वाला हाथ तेरे लोगों के ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, तेरी दया इनके ऊपर होने पाए। पवित्र आत्मा जी, आज मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रभु, इस समय पवित्र आत्मा जी तेरी शांति को देखने पाए वो लोग जो सच में घंटों घंटों से तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर, तेरी तारीफ कर रहे हैं, तेरे नाम को सच में पवित्र आत्मा जी ऊंचा कर रहे हैं परमेश्वर, जो सच में तेरी स्तुति की भेंट चढ़ा रहे हैं परमेश्वर। आज मैं विनती करता हूँ के पवित्र आत्मा धर्मियों के फायदे होने पाए आज यीशु मसीह के नाम में, धर्मी जन बढ़ने पाए परमेश्वर, धर्मी जन बढ़ने पाए परमेश्वर, इनके घर में आनंद आने पाए परमेश्वर, इनकी आशा कभी टूटने ना पाए पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता परमेश्वर इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ आने पाए पवित्र आत्मा। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, धर्मी सदा अटल रहेगा। मैं घोषणा करता हूँ कि ऐसे लोग अटल रहेंगे परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये पृथ्वी पर फंसने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा, सच में इनकी बुद्धि बढ़ने पाएगी यीशु मसीह के नाम में, ये समझ का सहारा लेंगे परमेश्वर आज से, इनके अंदर पवित्र आत्मा तेरी बुद्धि काम करेगी। मैं विश्वास करता हूँ तेरी समझ काम करेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा जितने लोग सच में हर संडे यहाँ पर आकर तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, उनकी बुद्धि बढ़े पवित्र आत्मा, उनकी समझ बढ़े परमेश्वर, उनके ऊपर तेरा हाथ आए यीशु मसीह के नाम में, हर आशीष इनके ऊपर आने पाए, स्वर्ग आज खुल जाए मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के लिए स्वर्ग खुल जाए, बोलो हालेलुया। ठीक है, लिस्ट में नाम डाल देगा, या आप कहेंगे कि मैं मसीह में हूँ, आपका नाम डाल देगा, लेकिन वो मर्जी अपनी करेगा। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा जैसी मर्जी मेरी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसी पृथ्वी पर भी हो। अगर आज आपने वादा किया परमेश्वर से, तो मैं आज आपको वो दिलाऊंगा जो आपके माँ बाप ने भी नहीं दिलाया आपको, जो किसी ने नहीं दिलाया होगा आपको। जैसी मर्जी खुदा की होगी वैसा नहीं होगा आज, जैसी मर्जी आपकी होगी वैसी खुदा आपकी मर्जी पूरी करेगा आज। आज तक आप जो खुदा कहता है वो करते हैं कि नहीं? जो पास्टर कहता है वो करते हैं कि नहीं? आज विश्वासी और वॉलंटियर से बातचीत हो रही है, आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जैसा आज आप कहेंगे वैसा करूंगा मैं।
हालेलुया। ये बाइबल बोलती है करवाने वाला चाहिए, परमेश्वर करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने ये डेफिनेशन उन लोगों के लिए दी जो उसका कहना नहीं मानते थे, कहते उनसे गुस्से में बात कर रहा है, राजा जी मेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी हो, तब मैं तुम्हारा कहां मानूंगा। लेकिन जो परमेश्वर का कहना मानते हैं उनसे परमेश्वर बात करता और कहता है, कहता है जैसा तू कहेगा सुबेदार आज वैसा होगा। हालेलुया, समझ में आया कि नहीं? तो जैसा आपके अंदर चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर आशीष देना चाहता है जो फल लेकर आने वाला होगा। जो मुझे ब्रांच में सुन रहे हैं और यहाँ पर खड़े हैं, ध्यान से सुनना, होली स्पिरिट बात कर रहा है आपसे, कोई इंसान नहीं है यहाँ पर, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं, बहुत सारे लोग चिंता करते हैं और कहते हैं कि मेरा घर में तेल नहीं है, पैसा नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बाहर जाने के लिए शर्म की बात है उन लोगों के लिए, अगर आपके पास नहीं है, परमेश्वर होता कहता उन लोगों के घर में ज्यादा कलेश रहते हैं जो कभी किसी को गवाही नहीं देते अपनी मिनिस्ट्री की, जो सुसमाचार नहीं सुनाते, जो दो लोगों को लाने का फैसला नहीं करते कभी कि मैं दो लोगों नए लोगों को सुसमाचार सुनाऊंगा और दो नए लोगों को अपने साथ लाऊंगा। पापा मैं ना कल्लिया नहीं हूं, पापा मैं ना इतनी दूर कर लिया नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आपके वर्ड चेंज होने चाहिए। पापा मैं कल्ली नहीं आनी है, मैं पूरे पिंड नु नाल लेके आनी है। समझ में आया कि नहीं? कोशिश करना है आपको, आपकी कोशिश में परमेश्वर है, मेरे ऊपर गिफ्ट है। अगर मेरे साथ 15 मिनट एक आदमी बैठ जाए, शराबी शराब छोड़ देता है, 15 मिनट में बदलने की ताकत रखता है परमेश्वर मेरे अंदर से। हालेलुया, हालेलुया। 15 मिनट में सिचुएशन चेंज। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। एक आदमी मेरे पास आया और वो बोला कह रहा कि पापा मेरी जमीन बिक नहीं रही। मैंने कहा तू 15 मिनट मेरे पास बैठ जा और अपनी जमीन मुझे दे जा। भाग क्या भाई साहब, भाग क्या? उसने कहा यार ये कैसा बादरी है। फिर उसके दिमाग में आया चल 15 मिनट बैठ ही जाते हैं, जब डेढ़ महीना हो गया कहीं जमीन का नहीं सौदा बना, आया मेरे पास और कहने लगा चलो दशमांश ले लेना। मैंने कहा जमीन मुझे दे जा, फिर भाग गया। डेढ़ महीने बाद फिर आया, बोला जी अब तो आप ही ले लो। सुनो, 3 महीने धक्के खाए, 15 मिनट मेरे साथ बैठा, 15 मिनट बाद फोन आ गया, आपकी जमीन का 1.5 करोड़ रेट लग गया। हालेलुया, हालेलुया। 50 लाख की जमीन 1.5 करोड़ में, 15 मिनट यहाँ खड़े रहोगे, 1.5 करोड़ के फोन आएंगे। बिलीव करना है, बिलीव, बिलीव, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। बस यही जानते हैं हम सब, सब यही जानते हैं, बस आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मैं तेरे पे विश्वास करता हूं, यीशु मसीह का इतना इतनी बड़ी बाइबल भैया आगे भी विश्वास करेंगे कि नहीं? अगले पन्ने दे, एक ही पन्ने दे विश्वास करता, विश्वास करना है। हर बात में यीशु मसीह ने आपको धरती पर आशीष दे रखी है, आप आशीषित हैं, आप आशीष के लिए बुलाए गए हैं, आप बीमार नहीं है। टाटा मार दो, टाटा मारो। करता हूं दोस्तों, आज की वीडियो छोटा सा आप लोगों को पसंद आया होगा तो जरूर से एक मसीह लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करिएगा। और आप ऐसा करते हैं तो आप कहीं ना कहीं परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए, मसीह में रहिए, सदा आनंदित रहे। आप सभी को जय मसीह, गॉड ब्लेस यू ऑल।